नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है, यानी गॉल क्रिकेट स्टेडियम, और टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने का यह फैसला सही साबित होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले दिन के खेल खत्म होने तक जो है श्रीलंका ने अपने 6 विकेट गंवा कर 315 रन बना दिए हैं, और टीम के लिए जो सबसे ज्यादा बनाए उनका नाम है दिनेश चांदीमल, 80 रन की पारी खेली, जबकि ओशादा फर्नांडो ने 50 रन बनाए। तो 250+ स्कोर जो है पहले दिन बना है ओशादा फर्नांडो और दिनेश चांदीमल का। दिमुथ करुणारत्ने 40 रन बनाकर आउट हुए। एंजेलो मैथ्यू जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 42 रन बनाकर आउट हुए, और धनंजय डिसिल्वा ने 33 रन की पारी खेली, और इस समय क्रीज पर मौजूद हैं आपके निरोशन डिकवेला और दुमीत नाम करके एक नया खिलाड़ी आया है, वो भी इस समय जो क्रीज पर उतरा हुआ 6 रन बनाकर खेल रहा है, जबकि निरोशन डिकवेला बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 43 गेंदों में 42 रन बनाकर जो है डिकवेला नवाद है। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो सबसे ज्यादा विकेट मिले मोहम्मद नवाज को, 2 विकेट पहले दिन मिले, और यासिर शाह ने 1 विकेट, नसीम शाह और नोमान अली को भी 1-1 विकेट मिला। तो ये रहा पहले दिन का आंखों देखा हाल, जिसमें से श्रीलंका ने पहले 2 सेशन में बाजी मारी, लेकिन आखिरी सेशन में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, ना सिर्फ रन रोके बल्कि जो है विकेट भी चटके, और अब तो सिर्फ 4 विकेट लेने हैं, और अगर 350 रन के भीतर में पाकिस्तान टीम श्रीलंका को समेट देती है तो ये काबिले तारीफ होगी, और अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहती है टीम तो आप ये समझ के चलिए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ।